नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं परासिया क्षेत्र 3 किलोमीटर दूर चांदामेटा में जैन मंदिर के समीप आगामी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक चैतन्य फाउंडेशन के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 25 जनवरी को चैतन्य फाउंडेशन के तत्वावधान में विद्यासागर वृद्धा आश्रम खोला जा रहा है, जिसमें 25 वृद्धों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। वृद्धा आश्रम का लोकार्पण नोएडा के मनीष जैन द्वारा किया जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष बाल ब्रह्मचारी राजेश चैतन्य ने बताया कि इस अवसर पर 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 108 विकलांगों को उपकरण दिया जाएंगे, वही 100 सेकंड अधिक गरीबों को कंबल का वितरण होगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी के 400 बच्चों को गर्म कपड़े दिए जाएगा, 108 गरीब परिवार को महीने भर के लिए अनाज दिया जाएगा और 108 प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। परासिया मध्य प्रदेश से सुमित कहार की रिपोर्ट। तीन घंटे के लिए उसका लाइव प्रसारण होगा वृद्धाश्रम का, जो लोकार्पण या उद्घाटन विधि होगी इसकी। इसलिए आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि आपके क्षेत्र में अपने यहाँ से कोई विशेष दान आता नहीं है और वो लोग इतना बड़ा दान देके अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से उनका उत्साह बढ़े। एक बार फिर बता दूँ, वृद्धाश्रम का भूमिदान सुरेंद्र कुमार जैन चंडीगढ़ के हैं, वो यहाँ पधार रहे हैं, जिन्होंने दिया। संजीव कुमार जैन है जिन्होंने इस वृद्धाश्रम का शिलान्यास किया, वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। और एक है महेश जैन, महेश जी के सुपुत्र हैं मनीष कुमार जी जैन, नोएडा दिल्ली के निवासी हैं। वो सभी लोग भाई प्लेन नागपुर उतर के यहाँ आएंगे, वो इसका उद्घाटन करेंगे। सीधी सी बात कहें कि इस वृद्धाश्रम का 90% दान इन तीनों परिवारों ने दिया, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों से ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से मिलो, कोई छोटे मोटे काम आप लोग।